हे गाइस नमस्ते। फाइनली यहाँ पे सतोशी ओएक्स के क्लेमिंग की अपडेट आ चुकी है और इस वीडियो के अंदर आपको एयरड्रॉप कैसे क्लेम करना है कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक टोकन की प्राइस क्या हो सकती है और कॉइन गीको के अंदर क्या प्राइस शो हो रही है, और यहाँ पे टोकनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन है कि इनिशियली आपके कितने परसेंट के टोकन एसएन रिवॉर्ड आपको दिए जा रहे हैं, 20% या फिर 4%। वो भी कन्फ्यूजन अभी फिर से आपके दूर कर देता हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। चैनल पे न्यू हो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना। सबसे पहला गाइस इंपॉर्टेंट काम, आपको सतोशी ओएक्स ऐप के अंदर आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आने के बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे बैकअप का एक ऑप्शन रहता है, इसके ऊपर टैप करके सीक्रेट की फ्रेज को बैकअप कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बार होने के बाद आपको एक इस ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना है। जब बैकअप कर लोगे ना तभी आपको इस ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इनका जो लेटेस्ट वर्जन है ना उसके अंदर ही आप एयरड्रॉप क्लेम कर पाओगे, बट वो वर्जन गूगल प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इनकी जो लेटेस्ट वर्जन की लिंक है ओएक्स ऐप की, वो तो या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आप ओएक्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के अंदर आ जाओगे यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर आप सिंपल टैप कर दोगे, टैप करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड फ्रॉम गिटहब ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक बार डाउनलोड फॉर्म गिटहब पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करके या फिर उसके ऊपर आप टैप कर दोगे ना तो यहाँ पे ऐप देखो अनइंस्टॉल, यहाँ पे ऐप देखो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको कर लेना है अपडेट, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आओगे आप ऐप के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, एक इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर टैप करके जो 12 वर्ड के की फ्रेज है वो यहाँ पे आपको कर देने हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आपको इस तरह का नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको हब सेक्शन रहता है, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको नज़र आ जाएगा ओएक्स करके लिखा हुआ, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लेम कर चुका हूँ, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा पूरी डिटेल किस तरीके से वो जान लो। तो आपको इनिशियली इस तरीके के शो होगा जहाँ पे आपको पेंडिंग करके लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर आप ऐप को मैंने जो प्रोसेस बताया वैसे करोगे तो, और न्यू वर्जन को गिटहब से अपलोड करोगे तो अपडेट करोगे तो इस तरीके का शो हो जाएगा। पेंडिंग है, यहाँ पे आपको सिंपल टैप करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप टैप करोगे एक से दो बार तो यहाँ पे देखो आपका ये नज़र आ जाएगा ओएक्स कन्फर्मेशन सक्सेस करके नज़र आएगा, और यहाँ पे आपके जो भी है बैलेंस टोटल बैलेंस वो आपको टिक मार्क होते हुए नज़र आएंगे और कितने वो शो हो जाएंगे। सेकंड थिंग ये है कि आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करोगे तो ओएक्स रजिस्टर का यहाँ पे शो होगा कि रजिस्टर हो रहा है, बट यहाँ पे आपको रजिस्टर का कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। देखो मेरा ओएक्स रजिस्ट्रेशन सक्सेस करके लिखा हुआ आ रहा है, आपका वो यहाँ पे इस तरीके से फेल आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि आपके पास ओएक्स आपके पास कोर टोकन होने चाहिए आपके ओएक्स ऐप के अंदर, ठीक है। एक से दो कोर टोकन हुए तो आपका ये सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फेल करके लिखा हुआ आएगा। और आप जो कोर टोकन है वो कहाँ से बाय कर सकते हो, सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग है, सिर्फ बाइनेंस के अंदर लिस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो फिर से आप रजिस्टर के ऊपर टैप करोगे, एक बार कोर टोकन डिपॉजिट करने के बाद अपने ओएक्स ऐप के अंदर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का नज़र आ जाएगा क्लेमिंग का बटन, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी शो होगा कि आपके यहाँ पे कितने क्लेमेबल टोकन है, आप कितने टोकन क्लेम कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे क्लियर शो हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, क्लेम है इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करोगे तो ओएक्स क्लेम करके ऑप्शन आ जाएगा कि क्लेमिंग हो रहा है, एक से दो सेकेंड वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो क्लेम सक्सेस करके लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो एक बार क्लेम सक्सेस होने के बाद आप अपने कोर टोकन आप अपने जाके ओएक्स कॉइन कहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आपको असेट सेक्शन में रहना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कोर मैननेट होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। यहाँ पे ओएक्स रहेगा, यहाँ पे आपको टैप करो, टैप करने के बाद आपके पास कितना बैलेंस है अभी होल्डेड वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अभी देखो आपको इनिशियली सिर्फ यहाँ पे 20% ही आपके टोटल से मिल रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने बोला रहेगा 4% 3% वगैरह, बट रियल में 20% था। मैंने 2-3 बार टेलीग्राम पे अपडेट भी दी थी, पूरा आपको टोकोनॉमिक्स तक समझाया था इजीली, ठीक है।
अभी यहाँ पे आप बैलेंस आप देख सकते हो। और एक और बात है, यहाँ पे अभी एक प्राइस शो हो रही है 0.0342 करके, ठीक है। तो ये रियल प्राइस है, देखो गाइस अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है, ये लिस्टिंग होगा 10:30 को, ठीक है। और वो भी कौन सी एक्सचेंज के अंदर, वो भी होगा यहाँ पे MEXC। अभी तक फिलहाल में एक ही एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग है भाई, अभी तक कोई भी एक्सचेंज नहीं आया सामने कि हम लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिस्टिंग होगा आप देख सकते हो 4 UTC, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 10:30 AM, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे लिस्टिंग है आई थिंक। तो गाइस ये लिस्टिंग आई थिंक 9:30 बजे ही है, ठीक है। तो जाके आपको जो प्रोसेस बताया उस तरीके से क्लेम कर लेना और MEXC के अंदर भेज सकते हो। तो आपको सेंड करना रहेगा, तो क्या करोगे, आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे सिंपल अपना जो MEXC का वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो विड्रॉल का या फिर डिपॉजिट का वो पेस्ट करके सेंड के ऊपर टैप कर देना है। आप बोलोगे हमारे पास तो MEXC एक्सचेंज ही नहीं है, हम क्या करें, तो उसके लिए आप उतना टाइम तक वेट करो। यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आएगा, स्वैप के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा टोकन है। यहाँ पे देखो OEX है, वो सिलेक्ट करो और यहाँ पे देखो OEX से आप कोर टोकन या फिर अदर टोकन के अंदर यहाँ पे ही स्वैप कर सकते हो। समझो USDT के अंदर करना है तो USDT के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैक्स में लिख रहा हूँ, USDT के अंदर अभी यहाँ पे कम शो हो रहा है क्योंकि अभी तक शायद MEXC में वगैरह लिस्टिंग नहीं हुआ है। और मेनली यहाँ पे स्वैप 100% अच्छे से होगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। लिक्विडिटी कम है तो एरर आएंगे बहुत, और स्वैप भी परफेक्टली नहीं होगा, आपको कम वर्थ भी मिलने वाली है, ठीक है। तो मोस्टली MEXC में जाके सेल करने का ट्राई करो। और यहाँ पे आप सबने चेकआउट किया रहेगा, कॉइन गीगो के अंदर $1.46 नज़र आ रहा है ओपन EX नेटवर्क टोकन का प्राइस, और यहाँ पे ये ऑफिशियल है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो प्रोवाइड किया है ना वो रियल है OEX टोकन का ही, और वेबसाइट वगैरह पूरी। बट यहाँ पे जो प्राइस है ना वो खाली ओपन EX वालों की ही है, ख्याली पुलाव, इन अ रियल वो प्राइस हो ही नहीं सकती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और उसके साथ ही जो टोकोनॉमिक्स है मैंने यहाँ पे आपको गाइड भी दी थी कि 10 बिलियन टोटल सप्लाई है, सर्कुलेशन इनिशियली TGA के टाइम पे 735 मिलियन है, एयरड्रॉप के लिए 2 बिलियन रखी गई है, उसमें से 400 मिलियन इनिशियली TGA के टाइम पे टोटल, ठीक है, टोटल अनलॉक होने वाले हैं। जो 4% यहाँ पे आपको शो हो रहे थे ना वो क्या थे पता है, टोटल जो इनकी सप्लाई है 10 बिलियन में से 4% थे वो, ठीक है। और यहाँ पे जो 20% थे वो क्या थे, इनके जो टोटल सप्लाई में से 20% आप सब रिवॉर्ड रखे हैं एयरड्रॉप के लिए, मीन्स 2 बिलियन के टोकन थे, इस तरीके से था। तो मेनली क्या है, जिनको आगे रिसर्च करनी आती है वही आपको ये सब डिटेल प्रोवाइड कर पाते हैं परफेक्टली, नहीं तो आपको 4, 3, 2 वगैरह बताते रहेंगे। और इनिशियली यहाँ पे मैंने बताया था कि TGA के टाइम पे आपके 20% के टोकन अनलॉक होने वाले हैं और बाकी के 80% टोकन जो रहेंगे वो वेस्टिंग में रहेंगे। एग्जाम्पल आपको बताया था कि आपके पास 1000 टोकन है तो उसमें से 200 टोकन इनिशियली आप सेल कर पाओगे और बाकी के 800 टोकन रहेंगे वो आपके लॉकिंग में रहेंगे 1 साल के या फिर 12 महीने का, कुछ वेस्टिंग का आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग वीडियो भी मैंने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो बस गाइस ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी, शेयर की जाके जल्दी क्लेम कर लो, ये वीडियो आने तक तो ये लिस्टिंग भी हो गया रहेगा, आपको क्लेम करने का प्रोसेस बता चुका हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, आई लव यू ऑल।